हेलो स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे चैप्टर फोर की एक्सरसाइज करेंगे, ओके? क्योंकि चैप्टर फोर तो हमने आगे पढ़ लिया, समझ लिया, अभी हम चैप्टर फोर की एक्सरसाइज करेंगे, ओके? तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है ये एक्सरसाइज। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि MCQ। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्री, मतलब कि नीचे दिए गए प्लांट्स में से कौन सा ट्री नहीं है। तो देखो यहाँ पे है ये नीम, फिर पीपल, ग्रेपेवाइन और बनियान। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्री नहीं है? तो आंसर है सी, ग्रेपेवाइन। ग्रेपेवाइन है जो ये क्लाइंबर है, ये ट्री नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हब, मतलब कि नीचे दिए गए नाम में से कौन सा एक नाम हब है, मतलब कि ए रोज, बी स्पिनच, सी नीम और डी ग्रेपेवाइन। तो आंसर इज बी स्पिनच, ओके? इसके बाद है क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक, मतलब कि हमें यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये सही आंसर है, हमें इसे ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहली ब्लैंक है, ट्रीज हैव अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक, मतलब कि जो ट्री को थिक और वुडी एक रूट होती है, उसे ट्रंक कहते हैं। इसके बाद है सेकेंड, द रूट रिमेन्स इन द सॉइल, मतलब कि जो रूट होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं। इसके बाद है थ्री, ब्लैंक नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, मतलब कि किसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है? तो आंसर इज क्लाइंबर। क्लाइंबर्स जो होते हैं उसे सपोर्ट चाहिए होता है। इसके बाद है फोर, अ ब्लैंक लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, तो इसका आंसर है ट्री, और ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि ट्रीज बहुत बहुत लंबे और बड़े होते हैं और वो बहुत साल तक वैसे के वैसे ही होते हैं, ओके? यहाँ पे है क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको पता है कि ये आंसर बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं इसे अपनी बुक में बताती हूँ, ओके? क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? तो देखो आंसर इज द रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब कि ये जो रूट, स्टीम, लीव्स और फ्लावर फ्रूट है, ये सारे प्लांट के पार्ट्स है। इसके बाद है क्वेश्चन टू, व्हाट आर क्लाइंबर्स, मतलब कि क्लाइंबर्स क्या है? तो आंसर इज प्लांट्स दैट हैव वेरी वीक स्टीम्स एंड कैन नॉट स्टैंड ऑफ इट्स ऑन आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, मतलब कि ये जो क्लाइंबर होते हैं वो अपने आप खड़े नहीं हो पाते, इसे बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी टीम बहुत वीक होती है, तो उसे क्लाइंबर्स कहते हैं। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे क्लाइंबर कहते हैं। क्वेश्चन थ्री, राइट द नेम्स ऑफ द टू श्रब्स, मतलब कि दो श्रब्स के नाम, तो रोज एंड जैस्मिन। इसके बाद है क्वेश्चन फोर, गिव टू यूजेज ऑफ प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स के टू यूजेज हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे नीचे देखो टू यूज ऑफ प्लांट्स है। फर्स्ट, वी गेट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, मतलब कि हमें सारे तरह के फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से मिलते हैं? तो प्लांट्स से। इसके बाद टू, प्लांट्स ऑल्सो गिव अस ऑयल, परफ्यूम्स, पेपर, रबर, गम एंड मेडिसिंस, मतलब कि प्लांट हमें ऑयल, परफ्यूम, पेपर, रबर, गम और मेडिसिंस भी देता है। तो ये है टू प्लांट्स के यूजेस, ओके? अभी डी, मैच द फॉलोइंग, मतलब कि हमें कॉलम में से, कॉलम बी में से सही आंसर मैच करना है। अभी ट्री, तो इसमें से ट्री कौन सा है स्टूडेंट? ये ट्री है, तो हमें यहाँ पे इसे मैच करना है। इसके बाद है क्रीपर, तो इनमें से क्रीपर कौन सा है? तो इनमें से क्रीपर है ये पम्पकिन, ओके? इसके बाद है हर्ब, तो यहाँ पे ये है स्पिनच, ये हर्ब। फिर क्लाइंबर, तो यहाँ पे ये है ग्रेपेवाइन, ये है क्लाइंबर, ओके? इसके बाद है ई, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज, ट्रीज आर स्मॉल प्लांट, मतलब कि ट्री स्मॉल होते हैं, तो ये है रॉन्ग, क्योंकि ट्रीज तो बहुत बड़े होते हैं। इसके बाद है टू, श्रब्स आर स्मॉल एंड बशी, तो यस राइट।
इसके बाद है थ्री, प्लांट्स गिव अस कॉटन टू मेक क्लॉथ्स, मतलब कि हमें कॉटन कपड़े बनाने के लिए प्लांट्स देता है, तो यस। इसके बाद है एफ, ओरल क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन भी बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आंसर आपको बुक में बताती हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्रीपर्स, मतलब कि क्रीपर्स क्या है। तो आंसर इज प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, मतलब कि जो प्लांट ग्राउंड में ग्रो होते हैं, मतलब कि ग्राउंड में नज़दीकी ग्रो प्लांट्स होते हैं, इसे क्रीपर्स कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन टू, नेम टू हर्ब्स। तो ए इज स्पिनच एंड मिंट, तो ये टू हर्ब्स है। ओके, अभी यहाँ पे है फन सॉन्ग। कलर ऑल द एस बॉक्सेस यू विल गेट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब कि यहाँ पे जितने सारे एस वाले बॉक्स है इसमें कलर करना है। ओके, ये आपको खुद से करना है। इसके बाद है कलेक्टिव असेसमेंट, इसमें है कलेक्ट पिक्चर ऑफ फाइव प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, मतलब कि पांच तरह के जो प्लांट्स होते हैं इसके पिक्चर हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो स्टूडेंट, आपको मैं यहाँ पे ये जो एस वाले बॉक्सेस है इसमें कलर करना है, ये प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये आप लोग एक बार घर पे कर लेना, और आज हमने जो एक्सरसाइज की है उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, वंदे मातरम।